गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पिछले वीडियो में हम लोग स्पेशल फाइल के बारे में पढ़े थे। अब जो बचा हुआ स्पेशल फाइल है उसके बारे में आज बताते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले है मशीन फाइल का फोटो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इस फाइल की फाइल डबल कट में होती है। इन्हें फाइलिंग मशीन के होल्डर में फिट करने के लिए इनमें होल होते हैं। इनकी आकृति मशीन की कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग होती है। इन फाइल के द्वारा अंदरूनी तथा बाहरी सतह की फाइलिंग की जाती है। फोटो में हम लोग देख रहे हैं यहाँ हैंडल है और इस तरफ मेरा फाइलिंग करने का टीथ कटा हुआ है डबल कट में। अब इस तरह से अगला है सेटिंग फाइल। इस प्रकार की फाइल फ्लैट फाइल के हल्का गर्म करके तथा मोड़ कर बनाई जाती है। इसके लिए फाइल को लाल गर्म करके लेड ब्लॉक पर रखकर लकड़ी के हैमर की चोट से मोड़ा जाता है। इन्हें विभिन्न कोनों पर मोड़ा जाता है। इनका प्रयोग कीवे बनाने तथा स्लॉट की निचली सतह को फाइल करने के लिए किया जाता है। फिगर में दर्शाया गया है कि इस तरह का होता है मेरा फाइल, मतलब इस तरह का मोड़ा हुआ होता है, दिख रहा है फिगर में। अब नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं प्रूनिंग शाफ्ट है। इसकी आकृति विषम या समचतुर्भुज की आकार की होती है। इसे फिगर एज फाइल भी कहते हैं। इसका प्रयोग 60 डिग्री से कम एंगल पर बने अंदरूनी ग्रूव बनाने के लिए किया जाता है। इसके एक एज और एक फेस पर दांत नहीं कटे होते हैं। अब हम लोग स्क्रीन पर इसका फोटो देख रहे हैं कि इसका जो है विषम या समचतुर्भुज के आकार का बना हुआ है। इसी से फाइलिंग करके हम लोग कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फाइल। इस फाइल की दोनों एज या कई बार एक ही एज गोल होते हैं। इसका प्रयोग गोलाकार साव ब्लेड के दांतों को शार्प या तेज करने के लिए किया जाता है। स्क्रीन पर मेरा प्रोजेक्ट फाइल का फिगर दिखाया गया है। इसको देख के पता चलता है कि प्रोजेक्ट फाइल है। नेक्स्ट है वेब साव फाइल। इसका प्रयोग वेब साव को शार्प करने के लिए किया जाता है। यह प्रूनिंग साव की तरह होती है परंतु इसके सभी एज तथा फेस पर दांत कटे होते हैं। इसका प्रयोग भी 60 डिग्री से कम कोण पर बने ग्रूव को फाइल करने के लिए किया जाता है। स्क्रीन पर यह दिख रहा है, ये हमारा वेब साव फाइल है। अब नेक्स्ट में है, अब है हमारा फ्लेक्सिबल फाइल। इस प्रकार की फाइल बिना हैंडल की बनी होती है। इन्हें विशेष प्रकार के होल्डर में पकड़कर इसका प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इनका प्रयोग कर्व शीट की सतह को फाइल करने तथा ऑटोमोबाइल सेक्शन में किया जाता है। अब स्क्रीन पर हमारा ये फिगर दिख रहा है फ्लेक्सिबल फाइल का, जिसमें कि दिखाया गया है होल्डर में फाइल को पकड़ा हुआ है और इस तरह से फाइलिंग किया जाता है। नेक्स्ट में है मेरा बैंड फाइल। इन फाइल का प्रयोग बैंड सा मशीन पर फाइलिंग करने के लिए करते हैं। यह फाइल के आयताकार आकृति के टुकड़े होते हैं जिन्हें स्टील के पट्टी पर जोड़ा जाता है तथा यह घूमती हुई दिशा में कार्य करती है। स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है मेरा बैंड फाइल है, इसे ही घुमाकर हम लोग फाइलिंग करते हैं, घूमते हुए दिख रहा है स्क्रीन पे। अब नेक्स्ट है ब्लॉक फाइल। यह फाइल आयताकार क्रॉस सेक्शन में होती है। इसके केवल एक फेस यानी बॉटम फेस पर दांत कटे होते हैं जबकि टॉप फेस पर हैंडल फिट किया हुआ होता है। इन फाइल का प्रयोग बड़े साइज की सतह की फाइलिंग के लिए करते हैं। इनमें कुछ फाइल रास्ट कट में भी होती है और इसका प्रयोग लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। स्क्रीन पे ब्लॉक फाइल का फोटो दिखाया गया है जिसमें कि हम कार्य करते हुए देख रहे हैं। अब नेक्स्ट है लैथ फाइल। इस फाइल का प्रयोग लैथ मशीन पर जॉब की फाइलिंग के लिए करते हैं। यह सिंगल कट में होती है और इसके दांत अधिक लंबे होते हैं। इस फाइल के लंबे दांतों वाली फाइल भी करते हैं। यह मिल फाइल से अधिक धातु काटती है। स्क्रीन पर लैथ फाइल का फोटो हम लोग देख रहे हैं। अब नेक्स्ट में हमारा है, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइलिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ फाइलिंग में है, फाइलिंग तीन प्रकार से हम लोग करते हैं। नंबर एक में है
स्ट्रेट फाइलिंग, नंबर दो है क्रॉस फाइलिंग, नंबर तीन है ड्रॉ फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग, इस विधि में जॉब की सतह की फाइलिंग वॉइस के सामने खड़े होकर की जाती है। इसमें रेती को स्ट्रेट यानी सीधे चलाया जाता है, अर्थात आगे और पीछे किया जाता है। अर्थात फाइल को जॉब की लंबाई या चौड़ाई के समानांतर चलाया जाता है। इस विधि में फाइल का संतुलन बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है, अन्यथा सतह समतल नहीं बनेगी। अब नंबर दो में है क्रॉस फाइलिंग। इस विधि को डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके फाइल को जॉब के कोण के अनुसार चलाया जाता है। इस विधि का प्रयोग जॉब के सेंटर में ऊंचे स्थान को फाइल करने के लिए किया जाता है, जिससे सतह को जल्दी समतल बनाया जाता है। अब हम लोग फिगर से समझते हैं कि क्रॉस फाइलिंग किस प्रकार किया जाता है। तो क्रॉस की तरह एक बार जब इधर चलाते हैं और एक बार इधर चलाते हैं, तो उस तरह से हम लोग फाइलिंग स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह से हम लोग क्रॉस फाइलिंग करते हैं। अगला है ड्रॉ फाइलिंग। इस विधि का प्रयोग जॉब की सतह की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इसके द्वारा सतह के ऊंचे स्थान भी फाइल किए जाते हैं। इस क्रिया में फाइल को बिना हैंडल के दोनों हाथों में पकड़कर प्रयोग किया जाता है। चित्र में दिखाया गया है कि ड्रॉ फाइलिंग किस प्रकार से की जाती है। अब नेक्स्ट में हमारा है, अब हम लोग पढ़ते हैं फाइल का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। नंबर एक में है, सबसे पहले फाइल काम के अनुसार फाइल का चुनाव करना चाहिए। नंबर दो में है, फाइल के लेंथ के अनुसार हैंडल फिट करना चाहिए, अर्थात बड़ी फाइल के लिए बड़ा हैंडल तथा छोटी फाइल के लिए छोटा हैंडल फिट करना चाहिए। नंबर तीन में है, कभी भी बिना हैंडल के फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना हैंडल के फाइल के टैंग हाथ में चुभने का खतरा रहता है। अब नंबर चार में है, जिस सतह पर फाइलिंग करनी हो उस पर वायर, ग्रीस इत्यादि नहीं लगा होना चाहिए। अगला है, कास्टिंग द्वारा तैयार पार्ट्स की फाइलिंग करने से पहले चिजल द्वारा चिपिंग कर लेनी चाहिए, ताकि हाई स्पॉट्स खत्म हो सके। नेक्स्ट में है, फाइलिंग करते समय कभी भी फाइल की हुई सतह को हाथ से नहीं छूना चाहिए। अगला है, अगर फाइल के फेस पर पिनिंग घुस जाए तो उन्हें फाइल कार्ड या स्कोरर द्वारा निकाल लेना चाहिए। अगला है, फिनिशिंग करते समय फाइल के फेस पर चॉक लगा लेना चाहिए, ताकि पिनिंग ना घुस सके, क्योंकि पिनिंग से चॉक के सतह पर स्क्रैच पड़ते हैं। लेकिन काम समाप्त होने पर चॉक साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि चॉक लगाए रहने से फाइल में जंग लग जाता है। अगला है, फाइलिंग करते समय फाइल पर फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही दबाव देनी चाहिए, जबकि बैकवर्ड स्ट्रोक में दबाव हटा लेनी चाहिए। नेक्स्ट में है, कभी भी गर्म या हॉट चॉक पर फाइल नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा फाइल का हार्डनेस समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट में है, रेती चलाते समय इसके स्ट्रोक 35 से 40 स्ट्रोक पर मिनट होना चाहिए। अगला है, भाज पर जॉब ज़्यादा ऊंची नहीं बांधनी चाहिए, अन्यथा फाइलिंग करते समय चैटरिंग की आवाज़ होगी। नेक्स्ट में है, भाज की ऊंचाई कारीगर के एल्बो के बराबर होनी चाहिए। अगला है, फाइल का प्रयोग हथौड़े के रूप में नहीं करना चाहिए, इससे फाइल खराब होने का चांस रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए।